नमस्कार, पुष्पांजलि टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना की, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के समस्त लोगों को ये 5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो दिया जा रहा है। और जम्मू में जो ये स्कीम है, इसको जो चला रहे हैं अभी पिछले 2 साल से पुनीत महाजन जी, बीजेपी हेल्थ एंड मेडिकल कन्वीनियर J&K, और अभी तक इस स्कीम को उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से चलाया है कि जितना बेनिफिट हुआ लोगों को दिया है। आज जानते हैं ये जब दोबारा ये स्कीम शुरू हुई है, जो कि सभी लोगों के लिए, जितने भी हमारे J&K के लोग हैं उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा, उसी के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं पुनीत जी हमारे साथ। करेंगे उनसे बात कि किस तरह लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। पुनीत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, ये आयुष्मान के विषय में बात करने के लिए। ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में चल रही है, हमारा प्राइम एक ही लक्ष्य है कि जो ये सरकार है ये गरीबों की समर्पित सरकार है। जो बिछड़े लोग, जो जिनको स्कीमों की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, तो हमारे मोदी जी जो ये पार्ट टू में जब आए हैं, तो इनका पहले दिन से ही ये गरीबों के लिए इन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं। बहुत सी लोक कल्याण की योजना लोगों के लिए इन्होंने निकाली है। उनमें से सबसे अहम जो स्कीम है वो आयुष्मान भारत है, और जिसका पिछले 2 साल से लगातार निरंतर लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इस स्कीम में 5 लाख रुपए का पूरा परिवार का वो बीमा कवर होता है। जब भी कोई, भगवान ना करे, किसी के घर में कोई बीमारी आ जाती है, तो वो आपको पता है कि वो पूरे के पूरे घर बिक जाते हैं। हमने आम आदमी जो सुबह और कमाता और शाम को खाता है, वो इतना हेल्थ मेडिकल जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर नहीं कर पाता। ये इस स्कीम में उनको लाभ मिल रहा है, और हम लगातार 2 साल से प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ तालाब तलों में कैंप भी लगाया हुआ है, और हमने पिछले 2 साल में निःशुल्क सेवा की है। 1 रुपया भी किसी से हमने चार्ज नहीं किया, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यहाँ सेवा लगाई है। और हज़ारों की तादाद में हमने कार्ड बनाए हैं, और जो लोग हमारे पास आए हमने उनके भी कार्ड बनाए, और जो हमारे पास नहीं आ पाए, कई लोग ऐसे थे कि जो बेड रिडन थे, जो घरों में चल नहीं सकते थे, ओल्ड एज थे, या कईयों ने हमें बोला कि हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में है, हमने उनके डोर स्टेप पर जाके इस सेवा का लाभ पहुँचाया है। और जो कार्यकर्ता हमारे पास आते थे कि ऐसा है, उधर ऐसा बीमार केस है, कोई कैंसर का था, कोई डायलिसिस था, हमने पूरा प्रयास किया है कि लोगों की सेवा में जो ये स्कीम आई हुई है, हम उसको पूरी तरह हमने कार्यकर्ताओं से मिलकर निभाया है। सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए लोगों को क्या क्या इसमें उनको अपने डॉक्यूमेंट्स आपके तहत रखने पड़ेंगे, और इसके अलावा इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए उनको कौन कौन से ऐसे सेंटर हैं जो आपके द्वारा खोले गए हैं, जहाँ पर वो जाके अपने आप को इस स्कीम में रजिस्टर करवाएंगे? इसमें ऐसा है, ये लोगों के पास 2 ऑप्शन है। एक तो इसमें जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे एक आरोग्य मित्र नाम का एक काउंटर होता है, वो वहाँ पे जाएंगे, आरोग्य मित्र नाम का काउंटर वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे वो अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेके जाएंगे, और वहाँ पे भी प्रोसेसिंग होती है जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। दूसरा, इसमें अब ऐसा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे संडे को छुट्टी होती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे CSC सेंटर्स का। पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत जो CSC सेंटर्स हैं, उनकी बदौलत हमारा जो प्रदेश है अब 1 नंबर पे स्टैंड किया है, अव्वल नंबर पे स्टैंड आया है, और पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर का नाम हुआ है इस स्कीम से। ये शायद मुमकिन नहीं होता अगर ये हमारे जो CSC वाले जो हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और उन्होंने इसका पूरा स्कीम को पूरी अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे लागू किया है। तो मैं लोगों से ये करूँगा, वो CSC में भी जा सकते हैं और वो हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। CSC में अगर वो जाएंगे तो उसमें उसकी गवर्नमेंट ने एक कीमत निर्धारित की हुई है 30 रुपये, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर जो लोग हैं वो सैलरी क्लास हैं, वो एम्प्लाइज लोग होते हैं, उनको गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन जो CSC वाले लोग हैं वो सेल्फ एंटरप्रेन्योर हैं, वो खुद भी अपने आप की एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर रहे हैं और लोगों को भी जनरेट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जैसे किसी ने 2% रखे हैं, किसी ने 3, और उसने किराए पे बिल्डिंग भी ली हुई है, सरकार ने उसका रेट 30 रुपये मुकर्र किया हुआ है। उस 30 में कैसे ऐसा होता है कि 11 रुपये जो होते हैं, 11 रुपये वो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो 11 रुपये 30 में से उसका शेयर वो अपना डिडक्ट कर लेता है, 19 रुपये पीछे बचते हैं,
उस 19 रुपये में उसने दुकान का किराया भी देना है, जनरेटर भी देना है, जो एम्प्लाइज रखे उनकी सैलरी भी देनी है, तो बहुत सारे उसके एक्सपेंसिस इसी में चलते हैं। अब कई लोग हमारे पास आते हैं, जैसे CSC के भी मैं उनको, जो CSC जम्मू कश्मीर के हैं, वो सभी ऑलमोस्ट मुझे फ़ोन करते रहते हैं। उनकी अपनी समस्याएं हैं, पेशेंट की भी समस्या रहती हैं, जो हमारे बेनिफिशियरी हैं उनको कभी क्लेम की समस्या रहती है, कुछ रहती है। हमने पूरा प्रयास किया कि जहाँ तक पॉसिबल होगा हमने उनको पूरी निपटारा करने की कोशिश की है। और मैं लोगों से अपील भी करता हूँ, कई जो लोगों ने ऑब्जेक्शंस भी की, भाई CSC सेंटर पेमेंट 30 रुपये ले रहा है, ये किस बात की ले रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बता दूँ कि उनको यही 30 रुपये मिलते हैं, उनको कोई सरकार से कोई एक्स्ट्रा कोई फंडिंग या कुछ, ये प्राइवेट, दे आर टोटली प्राइवेट प्लेयर, और ये 30 रुपये में 11 रुपये CSC को भी देते हैं, और उसमें आपका AC भी वो चलाएगा, किराया भी देगा और एम्प्लॉइज की सैलरी भी देगा। और लोगों को मैं निवेदन करता हूँ उनके साथ सहयोग किया जाए, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, आपने CSC सेंटर के बारे में बोला, लेकिन जम्मू में आपके CSC सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं? देखिए, ऐसा है, ये CSC सेंटर जो है, ये मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जो एवरी नुक एंड कॉर्नर पर ये हैं। अगर इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हो, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ओपन किए हुए हैं। उसका बेस्ट तरीका है, जो भी हमारी लिस्ट है वो आपको नेट से मिल जाएगी, आपको CSC सेंटर्स की, उनके फ़ोन नंबर भी वहाँ पे होंगे, वो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, उसका ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ये आपने सुना कि पुनीत जी जो पिछले 2 साल से इसी आयुष्मान भारत के ऊपर लगे हुए थे, इसी स्कीम को उन्होंने जम्मू में इस मुकाम तक पहुँचाया है कि आज इस आयुष्मान भारत स्कीम को पूरे इंडिया में सर्वप्रथम स्थान हमारे JNK में मिला है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे JNK के लोगों को मिला है और इनके माध्यम से मिला है, इनकी मेहनत की वजह से मिला है। अभी आगे का जो है, जो कुछ लोग जो स्कीम के तहत नहीं थे, जिनका नाम नहीं था, अब ये स्कीम हर एक फैमिली के लिए है, JNK के जितने भी रहने वाले लोग हैं उन सभी के लिए ये स्कीम है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि आपका आधार कार्ड और इसके साथ साथ आपका जो राशन कार्ड है वो लेके आपने CSC सेंटर में जाना है, और इसकी फ़ीस इन्होंने निर्धारित की है 30 रुपये, जो कि इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये वो प्राइवेट सेंटर हैं, उनका वहाँ का अपना खर्चा भी होता है, उसे निकालने के लिए 30 रुपये इन्होंने अपनी जो फ़ी रखी है वो फ़ी पे करनी है आपने CSC सेंटर में, और अपना ये फॉर्म फिल करवाना है, इसकी रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद स्कीम के तहत जिस तरह आगे प्रोसेसिंग चलेगी, उस प्रोसेसिंग के बाद वो कार्ड जब आपका जनरेट होगा तो CSC वाले वो आपको कार्ड दे देंगे, और उसके बाद आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकेंगे। इसी के साथ कैमरामैन सुमीर शर्मा के साथ मैं अमित कुमार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच का सामना, देश का अपना चैनल।